बड़ी खबर पानीपत से बता रहे हैं, सेल्फी लेने के चक्कर में तीन युवक चपेट में आ गए ट्रेन के, पटरी पर सेल्फी ले रहे थे। पानीपत से बड़ी खबर, तीन नाबालिग छात्रों की ट्रेन में चपेट आने से मौत हो गई है। रेलवे क्रॉसिंग पर सेल्फी लेते वक्त यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर, तीनों छात्र पानीपत की राकेश कॉलोनी के रहने वाले थे। सेल्फी लेना उनको महंगा पड़ गया। रेलवे ट्रैक पर वो सेल्फी ले रहे थे, तभी अचानक ट्रेन आ गई, उसकी चपेट में आ गया और तीनों नाबालिगों की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साफ तौर पर यह लापरवाही है। और जिस तरह से ट्रैक पर वो सेल्फी ले रहे थे, सेल्फी की दीवानगी जिस तरह सर चढ़कर बोल रही, कई सारी खबरें ऐसे सामने आती रहती है। पहाड़ों पर लोग सेल्फी लेते हैं, सेल्फी लेने के चक्कर में गिर जाते हैं, और यहां ट्रैक पर सेल्फी ले रहे थे तीन छात्र। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, साफ तौर पर ऐसी खबरें आती रहती है, लेकिन यह खबरें विचलित कर देती हैं। बच्चों में इतनी दीवानगी हो गई है सेल्फी की। देखिए आदित्य, ये 8 बजे के आसपास की घटना है। 8 बजे हालांकि अंधेरा हो जाता है। देवीलाल पार्क हरियाणा के कई शहरों में, पानीपत में भी जीटी रोड पर बहुत विशाल पार्क है, 55 एकड़ का पार्क है, लोग घूमने आते हैं। तो पीछे ही रेलवे ट्रैक है। ये चार लड़के घूमने गए थे पार्क में। ये सभी प्रवासी लोग हैं, क्योंकि पानीपत में इंडस्ट्री है, लोग बाहर से आके नौकरी करते हैं, वर्कर्स हैं फैक्ट्री के। तो ये चारों घूमने गए थे। उसके बाद कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ये सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे दूर से, जैसे ट्रेन की हेडलाइट जल रही थी, इन्होंने सेल्फी लेने की कोशिश की है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि हादसे की वजह ये भी है, चार लड़के थे, चार में थे, जब एक ने देखा कि गाड़ी नजदीक आ गया, वो कूद गया, बाकी तीनों ट्रेन की चपेट में आके तीनों कट गए, मौके पर तीनों की मौत हो गई। तीनों की उम्र जो है 20-22 साल के आसपास है, जवान लड़के हैं। तीन की मौत हुई है, चौथा बाल बाल बच गया है। इन तीनों को मोर्चरी में रखवाया गया, बॉडी इनका पोस्टमार्टम सुबह होगा। बड़ी दुखद घटना है जी। नहीं देवेंद्र, वहां से कोई हाल्ट नजदीक नहीं पड़ता है क्या, जहां यह हादसा हुआ? बिल्कुल, देखिए देवीलाल पार्क है, बीच में रेलवे ट्रैक है, परली और कॉलोनी भी है। हो सकता है ये लोग घर जा रहे हो, लेकिन पार्क से वापस जा रहे थे, घर ही जा रहे होंगे। तो अब जब इन्होंने सेल्फी लेने की कोशिश की, कुछ लोग बता रहे हैं कि इस तरह का था कि इनका ध्यान सेल्फी की तरफ था, पीछे ट्रेन आ रही थी, हेडलाइट जल रही थी उसकी लाइट, क्योंकि 8 बजे अंधेरा होता है, तो उस कोशिश में ये हादसा हुआ है। एक लड़का बच गया, वो कूद गया दूसरी तरफ, क्योंकि उसने देखा इंजन नजदीक आ गया, लेकिन तीनों ट्रेन की चपेट में आ गई। मौके पर ही काफी लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले इनकी मौत हो गई तीनों की जी। चलिए, तमाम जानकारी बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विचलित कर देने वाली खबर है। सेल्फी लेने के चक्कर में हादसा हुआ, चार बच्चे थे वो सेल्फी ले रहे थे, एक ने किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाई, लेकिन तीन जो बच्चे थे वो इसकी चपेट में आ गए।